दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरसाइट सागा, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का लिखा हुआ एक वर्क है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको पढ़ने में मुझे 2 घंटे लगे। आज तक इतना टाइम किसी चीज को पढ़ने में नहीं लगा मुझे। खैर, इस वीडियो की आपको जरूरत थी तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, जिससे हमें कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ये एक बहुत बड़े खानदान की कहानी है। फॉरसाइट सागा एक बहुत बड़े खानदान की कहानी है। ये समझ लो खानदान एक बरगद का पेड़ है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। मुझे पता नहीं मैं कितना अच्छा इसको समझा सकूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग खैर कमेंट करके बता ही दोगे कि कितना अच्छा समझाया है, और इस सीरीज का अगला पार्ट बनाना चाहिए नहीं। चलो ठीक है, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो इस पार्ट का नाम है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों जितना अच्छा मैं इसको समझा सकता हूँ समझाऊंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1886 से। इस खानदान में एक सबसे बुजुर्ग आदमी, इस फॉरसाइट खानदान में सबसे बुजुर्ग आदमी ओल्ड जॉलैंड फॉरसाइट, इसके घर में इसके खानदान के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि ओल्ड जॉलैंड की पोती जून की एंगेजमेंट हो रही है एक आर्किटेक्ट से, जिसका नाम है, आर्किटेक्ट मतलब वो जो घर वर बनाते हैं, जिसका नाम है फिलिप बॉसनी। तो जून की एंगेजमेंट हो रही है फिलिप बॉसनी से। दादाजी ने सबको बुलाया है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि दादाजी क्यों अपनी पोती की एंगेजमेंट करवा रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं इस लड़की के? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़की के पिताजी इन लोगों के लिए, इस घर के लिए पराये हो चुके हैं, क्योंकि वो किसी गवर्नेंस के साथ शादी कर चुके हैं, वो भाग गए थे किसी गवर्नेंस के साथ में। इस लड़की जून की माँ की डेथ हो चुकी थी और ये इसके पिताजी जो हैं वो एक गवर्नेंस के साथ भाग गए थे, इसलिए अब दादाजी ही अपनी पोती की शादी करवा रहे हैं, उसी को पालते हैं, उसको बड़ा किया है और अब एंगेजमेंट हो रही है पोती की। अब दोस्तों जब से जून छोटी थी तब से इसके दादाजी ने इसको पाला है, लेकिन जब से इस जून की एंगेजमेंट हुई है तब से ये अपने आर्किटेक्ट हस्बैंड के साथ में ज़्यादा टाइम, अपने फियांसी के साथ में ज़्यादा टाइम गुजारती है। तो दोस्तों ओल्ड जॉलैंड फॉरसाइट को बहुत ही लोनली फील हो रहा है। अब इसी लोनलीनेस में, इसी अकेलेपन में, तन्हाई में वो अपने भागे हुए बेटे को याद करते हैं, यानी जून के फादर को, जिसे उन्होंने कई सालों से नहीं देखा है, जो अभी एक राइटर और पेंटर का काम करता है। उसके अब 2 बच्चे हैं जिनका नाम है हॉली और जॉली। जिस गवर्नेस के साथ वो भागा था उससे उसको 2 बच्चे हैं जिनका नाम है होली जॉली। तो दोस्तों ये ओल्ड जॉलैंड फॉरसाइट जो हैं ये बहुत ही दरियादिल आदमी हैं। भले ही इनका बेटा एक गवर्नेंस के साथ भाग गया हो, लेकिन इन्होंने सोचा कि जैसा भी है अपना ही बेटा है, वापस बुला लेते हैं इसको, बेचारे को। अब दोस्तों आई होप इतनी कहानी क्लियर है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में, इस कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं आया सामने हमारे। तो कहाँ है इस कहानी का मेन कैरेक्टर? दोस्तों इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, इस ओल्ड जॉलैन का एक भाई है जिसका नाम है जेम्स, और इस जेम्स का एक बेटा है जिसका नाम है सोम्स। तो ये सोम्स इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो अब आप सोचोगे कि मैंने वो कहानी आपको क्यों सुनाई? तो दोस्तों वो कहानी और ये कहानी कनेक्ट होगी, उस कहानी को रखो थोड़ी देर के लिए साइड में, अभी हम मेन कैरेक्टर की कहानी पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों ये मेन कैरेक्टर सोम्स जो है ये एक घमंडी लड़का है। घमंडी का मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो इन लोगों का अपना ही थोड़ा बहुत घमंड होता है, लड़के में घमंड है थोड़ा। सोम्स को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है आयरन। आयरन, इस लड़की से, ये गरीब लड़की है आयरन, इससे प्यार हो जाता है सोम्स को। तो इस लड़की आयरन की सौतेली माँ ने इसको कहा कि लड़का अच्छा है, शादी कर ले। अपनी सौतेली माँ के कहने पर आयरन ने सोम्स से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों लड़की बहुत ही प्यारी है। जब इनकी शादी को 4 साल हो गए तो ये आयरन अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी, क्योंकि अब इसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये इस लड़के से प्यार नहीं करती। ऊपर से सोम्स इसको बांध के और रखता था सो अलग। बांध के का मतलब हाथ पैर बांध के नहीं रखता था, इसको फ्रीडम नहीं देता था, मतलब पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह रखता था, लेकिन अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिशें करता था। मतलब जैसे उसको ज्वेलरी दे दी, ड्रेस दे दी, क्योंकि वो समझता था कि हर औरत को बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब अपनी इसी सोच के चलते इसने ये फैसला किया कि ये अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए रॉबिन हिल नाम की जगह पर एक शानदार सा घर बनवाएगा, बड़ा सा आलीशान। तो अब ऐसा घर बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं। तो अब आर्किटेक्ट की बात आई है तो इस जून का हस्बैंड जो है, होने वाला हस्बैंड, ये आर्किटेक्ट ही तो है।
तो इस बॉस्नी को कॉन्ट्रैक्ट मिला इस घर को बनाने का और डिजाइन करने का। अब दोस्तों ये सोम्स घर तो इस फिलिप बॉस्नी से बनवा रहा है कि परिवार का आदमी है, रोजगार मिलेगा, खर्चा कम आएगा, ये सब चीज़ें देख करके, लेकिन ये इसको काम नहीं करने दे रहा, मतलब ढंग से काम नहीं करने दे रहा, ये चौंचलेबाजी कर रहा है इसको बीच में आ करके, इसको मतलब इसको क्या क्या चेंजेस चाहिए घर में, मकान ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो बॉस्नी को आता है गुस्सा, क्योंकि इतना सब नाटकबाजी करने के बावजूद एंड में यही तय हुआ कि घर वैसा ही बनेगा जैसा फिलिप बॉस्नी ने डिज़ाइन किया है। आर्किटेक्ट है उसका काम है, ये लॉयर ठहरा, ये लॉयर है दोस्तों, सोम्स जो है ये लॉयर है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका काम है घर बनाना, उसको बनाने दो, लेकिन परेशान करना इसने छोड़ा नहीं, इसको बॉस्नी को इस सोम्स ने परेशान करना छोड़ा नहीं। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया कि तू मकान बना रहा है, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। दोस्तों इंटरेस्ट इस कहानी में अब बनेगा, कैसे बनेगा कि एक दिन ये जो सोम्स है, इसकी वाइफ जो है ये आयरन, ये कंस्ट्रक्शन का काम देखने आई अपने अंकल के साथ में कि मकान कैसा बन रहा है हम लोगों का। अब यहाँ पर आयरन की मुलाकात हुई बॉस्नी से, बॉस्नी से मुलाकात हुई आयरन की, और इन दोनों के दिल मिल गए, प्रेम हो गया। मुझे लग रहा है कि अब होगी लड़ाइयाँ, क्योंकि इसकी शादी तो इसके साथ में होने वाली थी, और जहाँ तक बात है सोम्स और आयरन की, ये दोनों तो पति पत्नी हैं। अब जहाँ तक दोस्तों बात है इस आयरन की, तो ये आयरन मैंने आपको बताया पहले ही सोम्स से परेशान है, तो इसने अपने हस्बैंड सोम्स को पहले ही कह दिया, ये बात क्लियर कर दी कि तू ये घर बनवा रहा है अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस घर में एक अलग से रूम चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। दोस्तों आयरन और बॉस्नी छुप छुप कर मिलने लगे। यहाँ जून को बेचारी को बड़ा दुख हो रहा था कि उसका मंगेतर उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है। फाइनली इसी चीज को देखते हुए दादाजी ने, यानी कि ओल्ड जॉलन फॉरसाइट ने, अपनी पोती जून को बाहर ले जाने का, बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाने का प्लान बनाया कि बेटा तू मेरे साथ चल, यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। अब दोस्तों दादाजी बाहर घुमाने ले गए पोती को, लेकिन इन्होंने पीछे से अपने बेटे को एक लेटर लिखा, अपने बेटे को यानी कि जून के फादर को, यंग जॉलन फॉरसाइट को एक लेटर लिखा कि जा करके बॉस्नी से पूछ कि उसका हमारी बेटी को लेकर के क्या विचार है, ऐसा नहीं चलेगा, वो सीरियस है तो बताए, नहीं तो और भी लड़के हैं दुनिया में। और जब बॉस्नी से पूछा गया कि क्या चल रहा है भाई, बता क्या चल रहा है ये सब, तो बॉस्नी अपनी बात से मुकर गया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों ये घर जो बन रहा था इस बीच में, ये घर बन करके कंप्लीट हो गया, लेकिन घर बनने के बाद में सोम्स और बॉस्नी के बीच में फिर से लड़ाई हो गई। नहीं 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 नहीं, आयरन को लेकर के नहीं, सोम्स के मुताबिक घर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है, जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सोम्स था तो लॉयर, तो इसने बॉस्नी पर कर दिया केस, इसके ऊपर केस ठोक दिया, और बिना किसी परेशानी के ये सोम्स केस जीत भी गया। लेकिन यहाँ पे आयरन ने उस नए घर में जाने के लिए मना कर दिया। अब उसी दोपहर ये बॉस्नी और आयरन आपस में मिले, तो बॉस्नी को पता चला कि इसका हस्बैंड जो है, आयरन का हस्बैंड जो है ये सोम्स, ये इस पर जुल्म करता है, इनफैक्ट एक बार इसका रेप भी करने की कोशिश की थी, रेप किया भी था। लेकिन दोस्तों ये बॉस्नी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के थोड़े ही पल बाकी रह गए। थोड़े ही पल बाकी कैसे रह गए, क्योंकि उसी रात इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका मर्डर करवा दिया गया। कुछ लोगों ने बोला कि बॉस्नी ने सुसाइड की है, बॉस्नी की डेथ क्या है, सुसाइड की वजह से हुई है। अब बॉस्नी के चक्कर में पड़ने के बाद में आयरन ने अपने हस्बैंड सोम्स को छोड़ दिया था पहले, लेकिन अब जब बॉस्नी मर चुका है, जब तक बॉस्नी जिंदा था तब तक तो सहारा था, लेकिन अब बॉस्नी जब मर चुका है तो आयरनी को अपने घमंडी पति के पास वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो बेचारी जाए कहाँ, उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, वापस जाना पड़ा अपने घमंडी पति के पास में। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ये जून भी अपने मंगेतर की डेथ के बाद में सदमे में थी, लेकिन ये अपने प्यारे दादाजी को बोलती है, प्यारे दादाजी कौन, ओल्ड जॉलन फॉरसाइट, इनको बोलती है कि आप इस रॉबिन हिल को खरीद लो, ये रॉबिन हिल पर जो घर बनवाया था आलिशान सा, इसको खरीद लो। क्यों खरीद लो, क्योंकि इस घर को इस जून के मंगेतर ने ही बनवाया था, बॉस्नी ने ही बनवाया था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आयरन जो है ये भी सोम्स से परेशान हो गई है, तो इसने सोम्स को परमानेंटली छोड़ दिया, और ये जा करके एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गई, वहाँ अपना पेट पालने के लिए ये म्यूज़िक लेसन्स देने लगी। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ साल गुजर गए, आयरन चुपचाप रॉबिन हिल गई। रॉबिन हिल कहाँ, उस आलिशान घर में जो कभी इसके पति सोम्स ने इसके लिए बनवाया था, तो ये वहाँ जा करके
ओल्ड जॉलन फॉरसाइट से मिली। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओल्ड जॉलन फॉरसाइट एक बहुत ही दरिया दिल आदमी है, तो उनके पास कोई भी आता माफी मांगता प्यार से तो वो माफ कर देते थे। अब इस अमीर बूढ़े आदमी को और चाहिए क्या था कि कोई इससे टाइम टू टाइम मिलने आए बस। तो कुछ समय बाद इस ओल्ड जॉलन फॉरसाइट यानी दादाजी की डेथ हो गई। अब ठीक है, यहां तक कहानी हो गई, लेकिन इस कहानी के मेन कैरेक्टर का क्या हुआ यानी सोम्स का क्या हुआ? सोम्स ने दोस्तों आयरनिथ से अलग होने के बाद में खुद को पूरी तरह से पैसा कमाने में झोंक दिया कि अब पैसा कमाना है जिंदगी में और कुछ काम नहीं करना है। तो जब से सोम्स आयरन से अलग हुआ बस पैसा कमाने लगा। लेकिन सडनली इसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं ये पैसा कमा क्यों रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई वारिस भी तो चाहिए, कोई बच्चा तो था नहीं इसके। तो इसने क्या किया, एक फ्रेंच वुमन एनेट को अपना वारिस देने के लिए चुना कि ये मुझे मेरा वारिस देगी और इससे शादी भी कर ली। लेकिन अभी इसने फ्रेंच वुमन से शादी नहीं की है, इसको शादी करने के लिए अपनी पुरानी बीवी आयरन से तलाक लेना होगा, डिवोर्स लेना होगा। अभी डिवोर्स नहीं हुआ इन दोनों का, तो ये डिवोर्स लेने के लिए वापस अपनी पत्नी आयरन के पास गया कई सालों के बाद में। लेकिन वहां पहुंचकर ये क्या देखता है कि इसकी वाइफ तो एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रही है, उसको देख करके ये वापस पागल हो गया उसके पीछे। तो इसने उसको कहा कि चलो वापस चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, वापस चलो, लड़ाई माफ करो। लेकिन आयरन ने उसे मना कर दिया कि तुम जैसे आदमी के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तो आयरन ने आगे से उसे खुद ही डिवोर्स दे दिया। वो डिवोर्स लेने आया था तो आयरन ने खुद ही आगे से उसको डिवोर्स दे दिया। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि ओल्ड जॉलन मरते मरते अपनी जायदाद का बहुत कुछ आयरन को दे करके गए थे, ठीक है, यहां तक याद रखना। अब दोस्तों ये यंग जॉलन जो है यानी कि जून का फादर, ओल्ड जॉलन का बेटा, ये अब विडोअर हो गया है, मतलब कि इसने जो दूसरी शादी की थी गवर्नेस के साथ में तो इसकी दूसरी पत्नी भी मर गई। और इस टाइम पर आयरन इसके करीब आ गई, यंग जॉलन के करीब आ गई। तो जब ये आयरन पेरिस गई तो वहां पहुंचकर ये यंग जॉलन और आयरन आपस में मिल गए। लेकिन इस सोम्स ने हार नहीं मानी थी, इसने एक लास्ट ट्राई मरने की सोची कि लास्ट बारी ट्राई करता हूं अपनी पत्नी को मनाने की, शायद आयरन मान जाए और वापस मेरे पास आ जाए। तो ये पेरिस गया उसको मनाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। आयरन ने तय कर रखा था कि वो इस सोम्स जैसे आदमी के साथ में नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन सोम्स ने भी तय कर लिया कि अब तो वो इसको डिवोर्स दे करके अपने वारिस के लिए उस फ्रेंच वुमन से ही शादी करेगा। तो उस फ्रेंच वुमन एनेट से इसने शादी कर ली और यहां पे आयरन और यंग जॉलन ने एक साथ शादी कर ली। लेकिन दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस यंग जॉलन के उस गवर्नेस से दो बच्चे थे, हॉली और जॉली। तो इसमें से ये जॉली जो था इसकी तो डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से, जबकि ये हॉली जो था इसने वेल नाम की लड़की से शादी कर ली थी। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जून का क्या हुआ, ये जून रेड क्रॉस नर्स बन गई, इसने फैसला किया कि ये रेड क्रॉस नर्स बनेगी। अब दोस्तों ये कहानी यही नहीं रुकी, ये कहानी आगे बढ़ती है। ये आयरन और यंग जॉलन जो है इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम था जॉन। वहां सोम्स की जो वाइफ थी वो फ्रेंच वुमन एनेट, उसको भी बच्चा होने वाला था। तो इस मोमेंट पर सोम्स के सामने दो ऑप्शन आए कि वो या तो बच्चे को बचाए या फिर माँ को। तो सोम्स को चाहिए था वारिस, तो उसने कहा कि बच्चे को ही बचाओ, लेकिन सौभाग्य से माँ और बच्चा दोनों बच गए। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य था सोम्स का, क्योंकि बेटी हुई थी। सोम्स को चाहिए था बेटा, तो इस बात का सबसे ज़्यादा दुख सोम्स को हुआ कि बेटी हुई है। अब मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली पीढ़ी आ रही थी इस खानदान की, इस फॉरसाइट खानदान की अगली पीढ़ी आ रही थी। ये जोन जो आयरन और यंग जॉलन का बेटा था, और ये फ्रेंच वुमेन की बेटी जिसका नाम रखा था इन लोगों ने फ्लर, ये दोनों बड़े हो रहे थे, ये दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लेकिन दोस्तों इस फ्लर को इसके फादर के लाड प्यार ने यानी कि सोम्स के लाड प्यार ने खूब बिगाड़ दिया था। अब दोस्तों साल 1909 चल रहा है, जोन 8 साल का हो गया है, बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का है, अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता है, और इसे देख करके लगता है कि ये एक दिन अपने फादर की तरह कोई बड़ा पेंटर या आर्टिस्ट बनेगा। अब साल गुजरते गए, एक दोपहर आयरन और उसका बेटा जॉन जो कि अब 20 साल का हो चुका था,
माइकल मॉन्ट नाम के एक आदमी के कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को देखने गए। यहाँ दोस्तों इस जोन की मुलाकात हुई फ्लड से। ये दोनों बच्चे जो बड़े हो रहे थे, इन दोनों की मुलाकात हुई आपस में, और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते इन दोनों में प्रेम भी हो गया थोड़े टाइम बाद। लेकिन इन दोनों को क्या पता कि ये दोनों है तो एक ही फैमिली की दो ब्रांचेस, एक बड़ी सी फैमिली की, बरगद टाइप के पेड़ की टाइप की फैमिली की दो ब्रांचेस हैं ये दोनों। इस लड़की फ्लर को जब ये पता चला तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये फिर भी अभी भी जॉन से शादी करना चाहती थी। वो जॉन से शादी करने के लिए बहुत उतावली थी, लेकिन ये शादी नहीं होने दी जॉन के फादर यंग जलन ने। यंग जलन ने क्या किया, अपने बेटे को यानी कि जॉन को एक लेटर लिख करके इसके खानदान की सारी हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि तुम्हारी माँ पहले सोम्स की पत्नी थी, बाद में बॉसनी के साथ अफेयर हुआ, सब कुछ बता दिया। जॉन अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता था। इसके फादर ने यह भी लिखा था लेटर के अंदर कि बेटा अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम्हारी माँ बहुत अकेली पड़ जाएगी। अब माँ पहले थी तो उसने ये लेटर पढ़ने के बाद में जॉन ने फैसला किया कि वो फ्लर से शादी नहीं करेगा। अब दोस्तों इस कहानी में आगे क्या होता है, ये यंग जॉलन जो है इनकी भी डेथ हो जाती है कुछ समय बाद में। जॉन इंग्लैंड छोड़ करके कोलंबिया कनाडा चला जाता है और इसके पीछे पीछे इसकी माँ आयरन भी चली जाती है, जबकि फ्लर निराश होकर के माइकल से शादी करनी पड़ती है। ये माइकल से शादी करनी पड़ती है फ्लर को। और दोस्तों इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है सोम्स, ये बिल्कुल अकेला पड़ जाता है अपने घर की तरह, अपनी चार दीवारी की तरह, एकदम खाली, एकदम खाली।